में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आज मुहर लग सकती है। दरअसल सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में शाम 5 बजे कांग्रेस पार्षदों की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सबकी राय ली जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कई कैबिनेट के मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को दिया जाएगा। मेयर पद के लिए जहां छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं सांगटी से कुलदीप ठाकुर और भट्टाकुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर का नाम रेस में शामिल है। डिप्टी मेयर की अगर बात करें तो नाभा वार्ड से पार्षद सिमिनंदा का नाम सबसे आगे है, वहीं विकासनगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार से सुषमा कोठियाला के नामों की भी चर्चा है। शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से खास मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पेंशन बहाली की गारंटी दी थी, इसलिए संगठन की ओर से प्रियंका गांधी को धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सदैव उनके ऋणी रहेंगे। बता दें कि इस मौके पर कर्मचारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और दूसरे नेताओं का भी धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आज से 2 दिवसीय हमीरपुर दौरा है और इस दौरे में वो भोरंज के भुक्कड़ में जनता दरबार लगाएंगे, जन शिकायतों को सुनेंगे। वहीं पट्टा और पांडवी में उनका जनसभा का भी विशेष कार्यक्रम है। सोमवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का भी वो दौरा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत का जश्न शिमला में भी खूब मना। शिमला में भी हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए नारेबाजी की। यहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी की गई। सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह के समर्थन में भी नारेबाजी की गई। कांग्रेस को हिमाचल के बाद कर्नाटक में ये दूसरी बड़ी जीत मिली है और इसी को लेकर सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज खुशी का दिन है, कर्नाटक की जीत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस की जीत की शुरुआत हिमाचल से हुई जो अब कर्नाटक तक जा पहुंची है, इसके बाद दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की ऐसी ही जीत होगी। कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। सीएम सुक्खू ने कहा, चुनाव प्रचार के समय ही मुझे कांग्रेस की जीत का एहसास हो गया था क्योंकि जनता धर्म की राजनीति के साथ नहीं थी। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की और हमने 3 उपचुनाव जीते, उसके बाद हमने विधानसभा को जीता, उसके बाद हमने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए मैं बार बार हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता को और खास करके शिमला शहर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राहुल जी ने जो ये पद यात्रा शुरू की थी उसका आज हम अंजाम देख रहे हैं कि कितना बड़ा आज हमने विजय हासिल की है। और उसी तरह से प्रियंका जी ने भी पिछली बार जब वो यहाँ हिमाचल में चुनाव हो रहे थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान, वो भी हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने चुनाव बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया जिससे हम विधानसभा भी जीते और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इसके लिए सभी को बधाई और सभी का धन्यवाद। आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है, जब हमने कर्नाटक जैसी स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने अपना राज स्थापित किया है और एक बहुत बड़ी जीत है, 136 सीट के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। और जो लोग ख्वाब देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की,
उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं और कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ और हिमाचल की फिजाएं जो हैं अब कर्नाटक तक पहुंच गई हैं। जब उन्होंने कर्नाटक के लोगों से बात की तो वो सब लोग दुखी नजर आ रहे थे। हमने कहा कि आपको क्या लगता है, सबने कहा कि हमारा मन बदलाव की ओर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वहां सब लोगों से मिलकर जब और बात पूछी तो राजनीति धर्म के नाम से शुरू हो रही थी, लेकिन कर्नाटक के लोग जागरूक थे। उन्होंने कहा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 40,000 सरकार में रोजगार के पद है, उनको भरा नहीं गया। श्रीमती सोनिया गांधी जी की और खड़गे साहब और राहुल जी वहां रैली में उपस्थित थे। उस समय जब शाम को वहां रैली हुई थी तो लाखों की भीड़ वहां थी और हुगली के जिस स्टेशन पे हम गए वहां तकरीबन बीजेपी का गढ़ था और भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार थे उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अंत में रैली की उसने कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में मतों का रुझान बदल कर रख दिया। कर्नाटक चुनाव में जीत की खुशी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को शिमला की सड़कों पर घूमने निकली। प्रियंका कांग्रेस दफ्तर से पैदल ही सड़क पर निकल पड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू समेत पूरी सरकार उनके साथ सड़क पर दिखी। सीएम, मंत्रियों और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ चलते हुए प्रियंका गांधी शिमला के रिज मैदान पहुंची। यहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग प्रियंका गांधी से मिलने को बेताब दिखाई दिए और प्रियंका भी लोगों से दिल खोलकर मिलती दिखाई दी। कई लोगों ने तो उनके साथ सेल्फी भी। और सबसे अहम बात के कि इस पूरे सफर के दौरान प्रियंका कहीं भी असहज बिल्कुल नहीं दिखाई दी, बल्कि हंसते मुस्कुराते लोगों से मिलते हुए वो आगे बढ़ती रही और फिर इंडियन कॉफी हाउस में गई। कॉफी हाउस में कॉफी पीने के बाद उन्होंने कुछ दुकानदारों में खरीदारी भी की। प्रियंका गांधी हर जगह बेहद सहजता और सरलता के साथ, बेहद सादगी के साथ पेश आई। Thank you.